हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर वर्ड प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन द टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, टू सी व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम लोग पहले अच्छे से समझ लें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप उसको इजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हो ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सी, व्हाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन अ पैसेंजर गॉट हर्ट। ठीक है, जब एरोप्लेन स्टार्ट कर रहा था है ना उड़ने के लिए, उस टाइम क्या हुआ कि जो एक पैसेंजर है वो हर्ट कर गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है इनकी स्टोरी में। द पायलट स्विंग promptness and concern made arrangement to hospitalize the injured। तो यहां तक पहले क्वेश्चन को समझो, ये यहां पे हमने इसको ब्लॉक कर दिया। पहले यहां तक समझो कि यहां तक क्वेश्चन का देखा जाए तो कोई हमारे लिए, हम लोग के लिए क्वेश्चन का कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। पायलट ने क्या किया, जो इंजर्ड पर्सन है उसके लिए कुछ अरेंजमेंट किया, हॉस्पिटलाइज कराया, इसमें उसका क्या हो गया, टाइम वेस्ट हुआ। मेन हमारा जो कंसर्न होना चाहिए वो होना चाहिए टाइम पे, टाइम वहां पर वेस्ट हुआ। आगे देखते हैं, शुद्ध प्लेन स्टार्टेड लेट बाय 30 मिनट। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया यहां तक में वो ये आया कि प्लेन को जिस शेड्यूल टाइम स्टार्ट होना था उससे 30 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया। आगे देखते हैं, टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन पे जाने के लिए उसको जितना टाइम चाहिए, जिस टाइम स्टार्ट कर लेना था वो 30 मिनट लेट हो चुका था। अब प्लेन स्टार्ट होने वाली है, देखो क्या होता है, 1500 किलोमीटर अवे टाइम। ठीक है, जो शेड्यूल टाइम था उसमें 1500 किलोमीटर में 30 मिनट वो लेट हो चुका है। द पायलट इंक्रीजेस द स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। पायलट क्या कर रहा है भाई, वो तो पायलट ये चाह रहा है विद इन टाइम, जो शेड्यूल टाइम है उस टाइम में अपने सारे पैसेंजर को पहुंचा दे। तो उसके लिए उसने क्या किया भाई, लेट तो हो चुका था, जो उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से जाना था, अगर वो स्पीड से जाता तो 30 मिनट लेट पहुंचता। लेकिन पायलट क्या करेगा, अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा, और कितनी स्पीड इंक्रीज कर दिया, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज कर दिया, और इससे वो क्या हो जाएगा, अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंच जाएगा, अब वो लेट नहीं होगा। तो आपको ये बताना है कि उस जो प्लेन की जो ओरिजिनल स्पीड थी, अगर वो 30 मिनट लेट ना होता तो वो किस स्पीड से जाता। ठीक है ना, वो स्पीड आपको बतानी है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि स्पीड जो नॉर्मल स्पीड प्लेन की थी, जो ओरिजिनल स्पीड थी, उसको हम लोग एक्सटेंडिंग कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड लिख लो, ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। प्लेन की ओरिजिनल स्पीड क्या मान ली आपने, एक्स किलोमीटर पर आवर मान ली। अब देखिए ओरिजिनल स्पीड एक्स हो गई, तो जो इंक्रीज स्पीड होगी, जो प्लेन लेट हो जाने के बाद जो उसने स्पीड बढ़ा ली, वो स्पीड क्या हो जाएगी, ओरिजिनल एक्स थी और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पायलट ने बढ़ा ली थी, तो जो न्यू स्पीड होगी या फिर जो इंक्रीज स्पीड होगी वो हो जाएगी एक्स प्लस 100। तो इंक्रीज स्पीड, तो इंक्रीज स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, अब आप देखो जो डिस्टेंस कवर करना था पायलट को वो तो 1500 किलोमीटर ही था, वो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो भी 1500 किलोमीटर कवर करेगा, और एक्स प्लस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो भी डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा। तो जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, जो डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर का ही है। क्लियर, अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला लिखना है, अच्छे से जानते हैं आप लोग, फॉर्मूला होता है टाइम के लिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, अच्छे से जानते हैं आप लोग इस फॉर्मूले को, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, अभी तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे दोनों केस के लिए। सपोज कर लो ट्रेन जो प्लेन है वो लेट नहीं होती है, वो मतलब अपने नॉर्मल स्पीड से आती है, तो उसका जो नॉर्मल टाइम होगा वो क्या है, मतलब जो टाइम अगर वो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता तो कितना टाइम लेता,
तो यहां पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय प्लेन विथ नॉर्मल स्पीड, या ओरिजिनल लिख लो ओरिजिनल स्पीड। तो इसकी स्पीड अगर ओरिजिनल स्पीड से जाता और इसका टाइम हम यहां चलो t1 लिख लेते हैं, तो अगर प्लेन ओरिजिनल स्पीड से जाता मतलब x की स्पीड से जाता तो उसको कितना टाइम लगता, अगर x किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता तो उसको कितना टाइम लगता अपने डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए। तो स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 1500 और स्पीड इसकी कितनी है x है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर। टाइम है तो टाइम निकालना, तो ये हो जाएगा आर में, ठीक है आर। अब देखिए टाइम टेकन बाय प्लेन विद ओरिजिनल स्पीड, अगर ओरिजिनल स्पीड से जाता तो इस टाइम टेबल में पहुंच जाता, ठीक है जो शेड्यूल टाइम था उसका। बट सेकंड केस में आते हैं कि अब उसने स्पीड जब लेट हो चुका है और स्पीड उसने बढ़ा दी तब टाइम कितना लगा होगा, टाइम तो उस समय कम लगा होगा। तो यहां पर फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय प्लेन विद इंक्रीज स्पीड। अब देखो इसको हम लोग t2 ले लेते हैं, इसको t2 ले लेंगे। तो अब देखो जब टाइम हम लोग निकालने जा रहे हैं, जब प्लेट पायलट ने अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली उस टाइम उसको अपने सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इट विल बी 1500 डिस्टेंस तो वही है अपॉन एक्स प्लस 100 आर, ठीक है ना। तो ये आपने दोनों टाइम निकाल लिया, एक टाइम जब वो ओरिजिनल स्पीड से जा रहा था उस समय टाइम उसको t1 लगता, लेकिन जब उसने स्पीड इंक्रीज कर ली उस टाइम जो उसका टाइम होगा वो 1500 अपॉन एक्स प्लस 100 हो गया, इतने आर्स इसको लगेगा, ठीक है। अब हम लोग को जो है ये बताना है कि इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा, भाई t1 होगा कि t2 होगा। जाहिर सी बात है यहां पे इसकी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगा होगा, तो ये जो t1 है 1500 अपॉन x जो t1 है t1 इज ग्रेटर देन t2 होगा ना, मतलब ये जो 1500 x है 1500 अपॉन x है वो टाइम ग्रेटर होगा इससे, क्योंकि यहां पे स्पीड इसकी कम है, यहां स्पीड ज्यादा हो गई तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख देंगे t1 इज ग्रेटर देन t2, ठीक। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो प्लेन है वो 30 मिनट क्या होता है लेट होता है, मतलब इन दोनों के टाइम के डिफरेंस में जो टाइम और इनका जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 30 मिनट का, है ना भाई। ये आपका जो शेड्यूल टाइम था और 30 मिनट को लेट हुआ था, तो ये जो टाइम होगा ये 30 मिनट कम होना चाहिए, मतलब अगर ये आपका t1 t2 से बड़ा है तो कितना बड़ा होगा, ये 30 मिनट बड़ा होगा। 30 मिनट में हम लोग हाफ एन आवर लिख सकते हैं, 1/2 आवर लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख लेंगे, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1/2 आवर। ये बात बहुत अच्छे से आपको समझनी है कि 1/2 कैसे लिख दिया, बताइए कि t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1/2 कैसे लिख दिया। देखो t1 वो टाइम है जिस जो शेड्यूल टाइम में प्लेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता, ठीक है वो t1 टाइम है, लेकिन जब स्पीड बढ़ा दी तो टाइम आपका 30 मिनट क्या हो गया, कम हो गया, तो 30 मिनट लेट हो चुका था, तो ये जो टाइम होगा वो 30 मिनट कम लगेगा उसको, सेम टाइम जो शेड्यूल टाइम में पहुंच जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पे, तो ये जो टाइम होगा पहले वाले टाइम से 30 मिनट कम होगा, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 30 मिनट का होगा। और 30 मिनट का अगर डिफरेंस हो रहा है तो 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 आवर, क्योंकि ये सब आर में हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो उसको भी आर में लिखेंगे। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अब चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं यहाँ वैल्यू पुट करके, तो इसको रख कर लें, ठीक है। यहाँ तक आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग उसको रफ करके और इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से, ये इतना पार्ट रफ कर दिया हमने और t1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500, t2 की जो वैल्यू है 1500 अपॉन एक्स प्लस 100 और इज इक्वल टू में आपको लिखना पड़ेगा 1/2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, x प्लस 100 और ये 1500 को पूरे में से कॉमन हो जाएगा, ये दोनों जगह से कॉमन होकर बाहर आ गए, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, x प्लस 100 माइनस x, ठीक है।
इक्वल टू में आपको क्या मिलेगा, 1/2। चलिए ये और ये कैंसिल हो गया, अभी आपके पास क्या बचा, 1500। तो ये था 2 जीरो से और मिल गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 100x। ठीक है, अब देखिए ये एक सिंपल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। मेन तो काम था इस कंडीशन तक पहुंचना। ठीक है, जब आपने कंडीशन निकाल ली तो वैल्यू पुट करके केवल आपको अब सिंप्लीफाई करना है लाइक अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी देखिए इसको हम लोग और रफ कर लें। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो ये टू इधर आया, इधर आया, फाइनली लोग इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 100x और ये इसके साथ आएगा तो हो जाएगा 3 0 और 1 2 3 4 0 और 1 2 3 4 0 और इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा अब इसको आप जो है फैक्टराइज कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, कुछ भी करो, फैक्टर करके x की वैल्यू निकालो। देखिए इसका प्राइम फैक्टर अगर हम लोग फैक्टर निकाल के 100 हमको बनाना है माइनस करके, तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि 500 × 600 का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0। ठीक है, तो ये आपका 5 4 0 इसे, हाँ ठीक है 5 0, मतलब 500 और 600 का प्रोडक्ट आपको ये मिल जा रहा है, 3 लाख से, हाँ 3 लाख से मिल जा रहा है। और 500 और 600 का प्रोडक्ट अगर आपको 3 लाख मिल रहा है तो इन दोनों को माइनस करके 100 बनाना है, बन भी जा रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है, कर लेते हैं उसी से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 100 ही आपको लिखना पड़ेगा, 600 माइनस 500। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स और माइनस यहाँ पे भी लिख लेते हैं 500 × 600 = 0। फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x और माइनस 500 × 600 = 0। ठीक है, फिर एक बार हम लोग को नहीं, यहाँ पे हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड को रफ नहीं करना पड़ रहा है। अभी आप देखो, अभी जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कॉमन लेना है तो आपको यहाँ से कॉमन मिल रहा होगा x, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 600 और इन दोनों में से आपको कॉमन मिलेगा माइनस 500, तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 600। ठीक है, ये 600 = 0, तो x प्लस 600 और x माइनस 500 = 0। आप एक बार इसको और एक बार इसको जीरो ले सकते हो, जीरो निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए, तो एक बार इसको जीरो लिख लेंगे। तो लेट x प्लस 600 = 0 लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 600। ठीक है, और इसको जब जीरो ले लोगे x माइनस 500 = 0 तो यहां से हो जाएगा x = 500। ठीक, आप देखो जो x की दो वैल्यू आ रही है उसमें से एक नेगेटिव वैल्यू है, ये इसको हम लोग को नहीं लेना है, नेगेटिव स्पीड हम लोग नहीं ले सकते। तो जो आपको x की वैल्यू लेनी होगी वो है 500 किलोमीटर पर आवर। तो जो ओरिजिनल स्पीड हो गया, ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगा, 500 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपने उस प्लेन का ओरिजिनल स्पीड मालूम कर लिया, विच इज 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।